उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए भाजपा नेता प्रीतपाल बेलचंदर ने पत्रकार वार्ता लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर साधा निशाना, साथ ही अपने ऊपर लगे 15 करोड़ के घोटाले के आरोप को निराधार बताया। बहुचर्चित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक घोटाला के मामले में जेल यात्रा कर जमानत पर लौटे भाजपा नेता प्रीतपाल बेलचंदन ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस प्रजातांत्रिक हत्यारे हैं जो हमारे ऊपर 15 करोड़ के घोटालों का आरोप लगाया, लेकिन 15 पैसे का भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। जो किसानों के शेयर राशि 5% 10% थी, यही ग्रुप को ऑपरेटिव बैंक ने साल भर पहले प्रस्ताव पास करके 5% बढ़ाए और आप लोगों को कार्यकाल तक तो उसका मान सम्मान होता रहा, लेकिन जैसे ही हम लोगों के कार्यकाल समाप्त हुआ 2020 में के साथियों के तुलना में आप लोग बहुत बारीकी से समझते हैं और उसको लिपिबद्ध करते हैं, मेरा स्वयं का अनुभव रहा बात। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुख्य न्यायालय में साक्ष्य नहीं जुटा पाई, जिसके कारण हमें मुख्य न्यायालय से जमानत मिला और आगे भी हम इनके प्रत्येक आरोप को आर्गुमेंट के माध्यम से न्यायालय में अपनी बात को रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि धारा 34 के तहत मेरे सहित 15 डायरेक्टर्स के खिलाफ FIR हुआ, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ मेरी हुई, 14 लोगों को भाई भतीजावाद के चलते छोड़ दिया गया। प्रीतपाल बेलचंदन ने कांग्रेस पर भाव किए जाने का आरोप भी लगाया है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस के दिग्गज कहे जाने वाले नेताओं की भी बखिया उधेड़ी है। इस दौरान प्रीतपाल बेलचंदन के साथ भाजपा के शिव चंद्राकर और उनकी समिति के लोग मौजूद थे। पैसे से धान खरीदी हुई है, प्रति क्विंटल धान खरीदी करने के लिए बोरा सुतली से रेके तौलाई तक ट्रांसपोर्टिंग तक प्रति क्विंटल धान के लिए 385 रुपया भारत सरकार ने दिया है और भारत सरकार के पैसे में। अब झूठ बोलता है हमारी पार्टी, तो चूंकि मर्यादाओं वाली पार्टी, अटल बिहारी जी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ निर्माण किया, नरेंद्र मोदी जी उसके पच्चीनों में चल रहे हैं, तो इनके बार बार के झूठ के साथ अब जनता के अदालत में जाके इसको पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, हमारे ऊपर आरोपित हुआ 15 करोड़ के आसपास का, 15 पैसे का भी हाई कोर्ट में चालान प्रस्तुत करते के समय साक्ष्य नहीं जुटा पाए, जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय ने हमें जमानत मिला और आगे भी हम इनके प्रत्येक आरोप को आर्गुमेंट के माध्यम से न्यायालय के मर्यादाओं के अनुरूप बात को हम रखते रहेंगे और ऐसा हमारा मामला है। जबकि भेदभाव का एक और पराकाष्ठा मैं बताता हूँ, धारा 34, आप पत्रकार लोग धारा 34 का विवेचना करना, एक से अधिक होने के बाद धारा 34 जोड़ा जाता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में 14 मेरे सहित 15 डायरेक्टर थे, 15 लोगों के लिए FIR हुआ और गिरफ्तार अकेला प्रीतपाल को किए, जबकि धारा 34 को मेरे को गिरफ्तार करने के पहले विलोपित कर देना था। यदि स्टैंड रहा तो 14 लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? भाई भतीजावाद और हमारे जो ग्रुप में हमारे भारतीय जनता पार्टी के ग्रुप है उसमें फूट डालो और राज करो के भांति इन्होंने पुलिस विभाग से काम करवाया, वो तो अवमानना नोटिस में ताबड़तोड़ प्राप्त हुआ पुलिस अधीक्षक को, तो पुलिस अधीक्षक का चालान समय में प्रस्तुत ये नहीं, तो ये लोग जब 2 साल से जांच नहीं कर रहे हैं, आज भी JR न्यायालय में हमारे केस यही केस का निपटारा नहीं हुआ है और इसमें आरोपी बना डाले हैं, इतने भिन्न हैं सब मामलों में। ये वर्तमान सरकार छत्तीसगढ़िया किसान धान खरीदी ये तमाम मामलों को लेकर 2018 के विधानसभा में चुनाव लड़े, लेकिन भूपेश बघेल के नेतृत्व में ऋण माफी योजना में जो समितियां ऋण बांटी थी वो समितियां लगभग शराब घोटाले से ज़्यादा घोटाले करके इन संस्थाओं को प्रति करोड़ 4 लाख रुपये का घाटा पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी अपराधी है। दूसरी बात, हम लोगों ने अपने कार्यकाल में समितियों के लगातार
निर्वाचन 2007, 2012, 2017 में करवाए। कांग्रेस ने प्रजातांत्रिक प्रणाली के हत्यारे हैं। जहां तक हम लोगों ने 3 कार्यकाल में नई समितियां बनाना शुरू किए थे और कांग्रेस से स्थापित संस्थाओं को पटरी में लाने का काम किया, बल्कि वर्तमान सरकार नई सहकारी संस्थाओं दूध पीने लायक भी नहीं हुए हैं अपनी माँ का, और ये तो भ्रूण हत्या के अपराधी हैं जो 2011 के विधानसभा के पटल में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से आया था, जिसे देवजी भाई पटेल ने पानी पानी कर दिया कांग्रेस के लोगों को। और ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो किसानों के नाम पर अपने पूर्वजों की बात कहते हैं, ये रविन चौबे, प्रतिमा चंद्राकर, अरुण वोरा जिसका किसानी से कोई ताल्लुक नहीं, भजन सिंह निरंकारी जो फर्जी रूप से किसानी करते थे, बदरुद्दीन कुरैसी जिनको किसानी से कोई, ये तमाम लोगों का संयुक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भ्रूण हत्या के समान था, जिसे आज तक हमने जिंदा करके रखा है। ये ऐसा सहकारिता है। वर्तमान प्राधिकृत अधिकारी के ऊपर आरोप तालपत्री घेरू तमाम लगे, जिसके कारण उनको हटाना पड़ा सरकार को, जवाहर वर्मा को। और अब राजेंद्र साहू के संबंध में भी जो 14 नवंबर नेहरू जी के जन्मदिन के दिन ज्ञापन दिया गया है, वो दूसरे प्राधिकृत अधिकारी को बलि देना पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी को, जो उसके प्रदेश के महामंत्री हैं राजेंद्र साहू। तो इसकी जांच तो करे, वही तो हम बार बार मांग कर रहे हैं। और कौन सा विषय? ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।